eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand. Hello guys, welcome back to Gaming Virus again. Extremely sorry for that, I was not there for two live streaming. Do video mein bana nahi paya kisi issue ke karan. I was like looking for new things guys, what will be the next upcoming update in Clash of Clans. So in this year 2019 mein jo hai naya update kaun sa aane wala hai, bas usko main search kar raha tha guys. तो थोड़ा बहुत सर्च करने के बाद और रिसर्च करने के बाद मेरी तरफ से देखने के बाद कि क्या नए ट्रूप्स हमें अपडेटेड मिल सकते हैं, क्या नेक्स्ट लेवल आ सकता है कोई भी डिफेंस स्पेल्स या आर्मी का, तो थोड़ी बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिली है अब तक की, लेकिन ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन नहीं है कि क्या नेक्स्ट अपडेट आने वाला है, मतलब एग्जैक्टली कितनी ज़्यादा मेंटेनेंस ब्रेक आएंगे ये पता नहीं. जैसा मुझे पता चला है तो उस लेवल तक मैंने आपके लिए यहाँ पर इन्फॉर्मेशन लाई है कि क्या पहले अपडेट आ सकता है 2019 में, जैसे कि स्पेल्स हैं या कुछ ट्रूप्स हैं जो नेक्स्ट लेवल के लिए अपग्रेड होंगे, और मैं आपको बता भी देता हूं कि वो कैसे, क्योंकि ऑलमोस्ट कुछ स्पेल्स हैं, कुछ एक स्पेल है जहां पे हमें ज़रूरत है नेक्स्ट लेवल की ताकि हमें कुछ और जो है डैमेज एक्स्ट्रा मिल पाए. तो इसी के लिए कुछ इमेजेस मैं आपको बता देता हूँ, और थंबनेल में भी मैंने वही टाइप जो है डाल रखा है जो भी नए ट्रूप्स के आ सकते हैं या नए स्पेल के अपडेट नेक्स्ट लेवल अपडेट आ सकते हैं. तो गाइस बस एक रिक्वेस्ट है कि जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं अभी मुझे देख रहे हैं तो ज़रूर शेयर करें, लाइक करें यार. अगर कोई भी नए बंदे आप देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे देख रहे हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करो यार. तो बहुत ही मेहनत करने के बाद ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, और बहुत ही मतलब मेहनत करना होता है, तो दो मतलब एग्जैक्टली एक दिन से मैं पूरी एक दिन से इसमें मेहनत लगा रहा था, दो लाइव स्ट्रीम में कर नहीं पाया बस, ताकि कुछ नया लेके आऊँ आप लोगों के लिए क्लैश ऑफ क्लैन में. और बहुत सारे नए अपडेट आने वाले हैं आगे जाके, तो जितना मेरी तरफ से हो चुका है वो मैं यहाँ पे लेके आया हूँ. तो ज़रूर एंड तक वीडियो को देखना और एंजॉय करना. तो बस मैं आगे जाके आपको जो है इमेजेस वन बाय वन शेयर कर देता हूँ कि क्या क्या नेक्स्ट अपडेट आने वाला है करके गाइस. बस देखते रहो एंड तक, और ज़रूर सपोर्ट करना अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो मेरे वीडियो, और ज़रूर शेयर ज़रूर करना यार, क्योंकि हमें ऑलरेडी 500 सब्सक्राइबर्स हम क्रॉस कर चुके हैं विद इन वन मंथ. तो शुक्रिया सभी का, थैंक्स फॉर ऑल गाइस. वी हैव रीच्ड 500 और होपिंग फॉर यू नो 1000 सब्सक्राइबर्स सून एज पॉसिबल. तो गाइस जो नेक्स्ट अपडेट जो आने वाला है मेरे हिसाब से जो मैंने रखा है, तो जैसे कि हमें ज़रूरत है तो नेक्स्ट अपडेट आ सकता है वो है हमारे लाइटनिंग स्पेल का. तो जैसे कि मैंने यहाँ पे अपनी तरफ से जैसे मैं अटैक करता हूँ तो उससे मुझे पता चला कि हमें नेक्स्ट लेवल की ज़रूरत है, तो वो है लाइटनिंग स्पेल. अभी लेवल 7 का जो है मैक्सिमम है, और हमें मिलने वाला है लेवल 8 का. मैं आपको एग्जांपल ये बता देता हूँ कैसे, मतलब तो ये बस एक रिप्लाई आप देख लो, मैंने लाइटनिंग स्पेल 2 यूज़ किए. जब आप मैक्स लाइटनिंग स्पेल 2 यूज़ करते हो ना, तो डिफेंस जो है वो बर्बाद होना चाहिए. तो यहाँ पे जो है आप देख रहे हो थोड़ा सा इसका लाइफ बचा हुआ है, तो इसके लिए एक जो है अर्थक्वेक स्पेल की ज़रूरत पड़ती है. नॉर्मली जब आप यूज़ करते रहते हो गाइस लाइटनिंग स्पेल वगैरह, तो यहाँ पे क्या होता है कि आप दो ही मतलब लाइटनिंग स्पेल यूज़ करके जो एयर डिफेंस का लेवल होता है उसको मतलब डिस्ट्रॉय कर सकते हो, बस दो ही दो लाइटनिंग स्पेल के साथ. तो ये यहाँ पे डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है, तो हमें मिल सकता है नेक्स्ट आपका जो है लाइटनिंग स्पेल का लेवल जो है लेवल 8. तो नेक्स्ट जो अपडेट आने वाला नया ट्रूप का वो मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन उसके लिए मतलब ऐसा कुछ प्रूफ नहीं है, लेकिन हाँ इसमें बहुत दिनों से अपडेट नहीं आया है, तो नेक्स्ट लेवल कौन सा होगा वो बता. एंड गाइस और जो नेक्स्ट जो अपडेट आने वाला है नेक्स्ट, जो जैसे कि लाइटनिंग स्पेल हमारा पहला हो गया, और जस्ट नेक्स्ट जो आ सकता है ज़्यादातर नेक्स्ट लेवल अप हो सकता है वो होगा हमारा इलेक्ट्रो ड्रैगन, क्योंकि अभी हमारे पास मतलब डोनाल्ड 12 मैक्स है, तो इलेक्ट्रो ड्रैगन नेक्स्ट लेवल नहीं बढ़ा है. तो इसमें क्या है कि इसका जो स्लो मतलब इतना जो स्लो चलता है बूढ़ी औरत की तरह इलेक्ट्रो ड्रैगन, तो इसका नेक्स्ट लेवल आ सकता है लेवल 4 का गाइस. तो होपफुली तो मुझे तो लगता है कि लेवल 4 आएगा ही, क्योंकि इसकी बहुत ज़रूरत है अगर नेक्स्ट कोई भी अपडेट आता है 2019 में टाउन हॉल का या किसी और लेवल का. क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो टाउन हॉल मतलब बहुत जल्दी इसको डिस्ट्रॉय करता है, और इसका डैमेज तो एकदम बढ़िया है इलेक्ट्रो का, लेकिन नेक्स्ट लेवल इसके लिए ज़रूर है. तो लेवल 4 का जो है हमें इलेक्ट्रो ड्रैगन मिल सकता है नेक्स्ट लेवल के लिए. तो देखते हैं कि क्या नेक्स्ट हो सकता है, और उसके बाद का जो नेक्स्ट लेवल है और नेक्स्ट जो ट्रूप का लेवल है वो होगा, मैं आपको बता देता हूँ,
जैसे कि गाइस नेक्स्ट लेवल जो आने वाला है, जो लेवल 7 होने वाला है, वो है अपना माइनर, सॉरी हाँ माइनर ही है जो हो सकता है आपको लेवल 7 का। तो इसमें क्या है कि टॉनल 12 को डिस्ट्रॉय करने के लिए इसमें थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। मैंने अभी तक इसको अटैक करके नहीं देखा है, लेकिन ज़्यादातर बंदे लोग जो मेरे बेस पे अटैक करते हैं, अभी मेरा भी उतना मैक्स नहीं है, लेकिन मैक्स टाउन हॉल पे ये उतना असर नहीं कर रहा है जितना इसका डैमेज है। तो नेक्स्ट लेवल हमें देखने को मिल सकता है माइनर में लेवल 7 का। तो होपफुली देखते हैं कि ये भी अपडेट आएगा या नहीं। और उसी के साथ गाइस, आपने शायद फोकस नहीं किया होगा बहुत सालों से, मतलब जितने भी साल आए हैं, तो इसमें जो नेक्स्ट अपडेट आने वाला है वो है हमें गोब्लिंस के थ्रू। लेवल जो है इसका कितना है, लेवल 7 इसका मैक्स है, लेवल 8 का मे बी जो है ये आने वाला है गोब्लिन लेवल। गोब्लिन जो है जो मतलब लो लेवल के जो प्लेयर्स होते हैं ज़्यादातर यूज़ करते हैं जो है डायरेक्टली लूट मारने के लिए, तो उनको डेड बेस वगैरह मिलते हैं, तो उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। तो लेवल 8 का जो है हमें मिल सकता है गोब्लिन, ये नेक्स्ट लेवल आ सकता है गाइस। तो ये जो है इंफॉर्मेशन मिली है। और उसी के साथ जो नेक्स्ट और एक लेवल आ सकता है वो है हमें स्पेल्स में। स्पेल्स में जो है आपको ऑलमोस्ट सारे जो है स्पेल्स का जो है अपग्रेड मिल चुका है, और नेक्स्ट जो अपग्रेड आ सकता है वो है क्लोन स्पेल में लेवल 6 का। अभी लेवल 4 का है मैंने बना रखा है, क्योंकि इसके लेवल 5 की कैपेसिटी होती है 30, ताकि मतलब एक इलेक्ट्रो ड्रैगन आप ला सकते हो, मतलब एक इलेक्ट्रो ड्रैगन क्लोन में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमेशा सुपर सेल का ये रहा है कि अगर आप कुछ एक ट्रूप लेके जाते हो तो एक डिफरेंट भी लेके जा सकते हैं। तो इसका नेक्स्ट लेवल जो है बढ़ सकता है लेवल 6 के लिए, उसमें आपको 5 स्पेस मिल सकती है एक्स्ट्रा, ताकि एक इलेक्ट्रो ड्रैगन और एक बलून आप साथ में लेके जा सको। तो इसका एक नेक्स्ट लेवल आ सकता है। और नेक्स्ट लेवल मैंने और एक मैं आपको बता देता हूँ। और हाँ गाइस, जो नेक्स्ट जो अपडेट आ सकता है स्पेल के थ्रू, जिस स्पेल में आ सकता है, वो आपको हो सकता है या आपका रेंज स्पेल या आपका जो है हीलिंग स्पेल, या दोनों हो सकते हैं, दोनों में से एक हो सकता है, वो है रेंज स्पेल। मुझे ज़्यादातर जो लग रहा है लेवल 6 का रेंज स्पेल हमें मिल सकता है। बढ़िया तो है, स्पीड भी इसकी काफ़ी बढ़िया है। तो इसमें क्या चेंजेस होंगे क्या नहीं होंगे पता नहीं। अभी जो 170 का है वो हो सकता है 180 का डैमेज इंक्रीज कर सकते हैं लेवल 6 के द्वारा गाइस। तो अब तक के जितने भी अपडेट हैं गाइस ये मुझे मिले हैं, तो ये मेरी तरफ से मैंने सोचा है कि ये अपडेट आपको मिल सकते हैं। जितना शॉर्ट हो सकता है उतना शॉर्ट बनाने की कोशिश करूँगा इस वीडियो को। और बताना चाहूँगा गाइस, अगर आप में से कोई भी वॉर लीग्स वगैरह खेल रहे हैं अपने क्लान में, तो ज़रूर वॉर लीग के पॉइंट्स को बचा के रखिएगा। जो भी आपको नेक्स्ट अपडेट आएंगे उसके थ्रू आप यूज़ कर सकते हो बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि अपडेट सुपर सेल की तरफ से आपको भी पता है कि एग्जैक्टली वो रिवील नहीं करते हैं कि एग्जैक्टली कब आएगा। अप्रैल या मई तक मेरे हिसाब से आता है नॉर्मली अपडेट, और ईयर एंड में सबसे बड़ा वाला वो अपडेट लाते हैं। तो हो सकता है सबसे बड़ा वाला अपडेट आपको जो है दिसंबर में मिले, और उससे पहले जो जितने भी लेवल मैंने बताए हैं वो आपको मिल जाए अप्रैल और मई के अंदर। और ये जो है मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये हैमर्स जो है तभी यूज़ करना जब आपको कभी बिग मतलब बड़ा आता है अपडेट। सो गाइस, दिस ऑल द ऑल अपडेट्स दैट हैव गिवन द ऑल ट्रूप्स लेवल एंड ऑल स्पेल्स लेवल। ये बस उनके लिए जो बस अंडरस्टैंड करते हैं इंग्लिश के लिए गाइस, तो बस थोड़ा सा मिक्सअप कर रहा हूँ। देखते हैं गाइस, अगर आपको पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक एंड शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कुछ भी गलत लगा हो तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा, ताकि हम उसको सही कर सकें। और लाइव हो सकता है कि मैं आज शाम को ना आ पाऊँ, अभी के लिए डेटा प्लान मेरा ख़त्म हो चुका है। तो देखते हैं गाइस, कल मैं लाइव में आऊँगा और कुछ बात करेंगे नई सॉरी चीज़ है। तो अभी के लिए बस इतना ही गाइस, आपको मैं दोबारा लाइव में मिलता हूँ, अगर हो सके तो और नए अपडेट कुछ और नए अटैक्स के साथ आऊँगा। तो कुछ मैं डिफरेंट ट्राई कर रहा हूँ, ताकि न्यू स्ट्रैटेजी बना पाऊँ कुछ डिफरेंट फनी टाइप्स का अटैक। तो अगर आपको पसंद आया तो ज़रूर सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो गाइस। बस बहुत सारे सब्सक्राइबर्स की ज़रूरत है, प्लीज़ ज़रूर शेयर करना बिना भूले। थोड़ी सी मेहनत लगी है इसमें, तो बस यही रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और शेयर ज़रूर करेंगे गाइस, और बेल आइकन को प्लीज़ मत भूलना।